हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू इंडियन एमएमए इनसाइडर। आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट कॉमनली टॉप क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कमेंट्स पे आते रहता है। कोई ना कोई वीडियो पे कमेंट्स पे आते रहता है कि इस जिम में जाना चाहिए क्या, उस जिम में जाना चाहिए, ये जिम कैसा है, वो जिम कैसा है। इस टॉपिक को कनेक्ट करके जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हमारा कोच कैसा होना चाहिए। So that brings us to this topic, which is how to choose your coach, या फिर choose your coach wisely. See guys, मैंने बहुत ऐसे देखा है लाइफ में, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है एंड आई हैव पर्सनली सीन पीपल। ओके, फर्स्ट तो मैं जिम्स के बारे में क्लियर कर लूंगा। काफी लोगों का ये पर्सपेक्टिव रहता है कि जिम दिखने में कितना अच्छा है उस बेसिस पे मेरा ट्रेनिंग डिपेंड करेगा, which is completely wrong. जो मैंने भी खुद फेस किया है, when I take open workouts and all, so people just call me, if that guy is watching this video, he'll surely come to know about it. I'm not pointing out or something like that, but ये एक important चीज़ है जानना। मतलब जब मैंने बात की उनसे, उनका जो reason पता चला, then I was like completely shocked, क्योंकि लोग fancy चीज़ के पास जाना ज़्यादा prefer करते हैं compared to what quality the coach is providing. Okay, so basically हुआ ये था कि I was taking open workouts and मुझे सामने वाले का call आता है कि like you take open workouts, you don't have a proper facility. मेरे पास था facility, I was having a proper rented place, but वहाँ कुछ issues हुए, so उन्होंने classes बंद कर दिए कुछ time के लिए। उनका कुछ internal issue है उसकी वजह से। अब उनसे जब green signal आएगा then only I can start. तब तक I was just taking open workouts and उन्होंने कहा कि आपका स्पेस नहीं है एंड इक्विपमेंट्स नहीं है, तो हम आपके साथ ट्रेनिंग करना चाहेंगे। सो ऑब्वियसली हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, मैं कुछ ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ फैंसी जगह पे होने से ये नहीं कह सकते आप कि आप बेस्ट जगह पे हो या फिर आपका ग्रोथ डेफिनेटली होने वाला है। सी, वॉट मैटर्स द मोस्ट is the coach. Let's take for example, कोई XYZ gym है, बहुत fancy है, बहुत classy है, दुनिया भर के equipments लाके रखे हैं उन्होंने, और ambience बहुत अच्छा है, lightings अच्छे हैं, photos click करोगे तो photos अच्छे आएंगे, boxing bags बड़े-बड़े लगे पड़े हैं, but अगर वहाँ का coach को कुछ knowledge ही नहीं है, let him be certified or whatever certifications तो अभी ऐसी बहुत मिल जाएंगे आपको, but अगर उस coach को proper knowledge ही नहीं है about that particular thing. For this matter, I will consider MMA only because हमारा चैनल ही उसी बारे में है एंड मेरा जिसके साथ बात हुई थी या फिर जिसने मुझे बोला था, he was also learning MMA from me. So वहाँ पे आप बहुत जिम्स में देखोगे, मैंने मेरे पुराने जिम्स के वीडियोज में भी मैंने कहा है कि इंडिया में ऐसी काफ़ी जगह है जहाँ पे लोगों को MMA नहीं आता है, स्टिल वो लोग कराटे की यूनिफॉर्म पहना के MMA कराते हैं, कुछ भी कराते हैं यार, उनको खुद को इतना नॉलेज नहीं रहता। कोच बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोच को नॉलेज है तो आपके लिए प्लेस मैटर नहीं करता फ्रेंकली। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें होती है छोटी छोटी, जैसे कुछ नेसेसरी चीज़ें हो जाती है, जैसे पंचिंग बैग हो गया या फिर स्ट्रेंथ एंड कंडीशन के लिए कुछ इक्विपमेंट्स हो गया, विच आई एग्री डेफिनेटली वो होने चाहिए, बट आपके कोच के पास नॉलेज कितना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका गुरु जो आपको सिखाएगा आप वैसे ही बनने वाले हो, आप अगर अपने गुरु को 100% फॉलो करने वाले हो आप वैसे ही बनने वाले हो। मैंने यहाँ पे काफ़ी वेल रेप्यूटेड जिम्स देखे, बड़े बड़े नाम के जो जिम्स है उनके पास देखा है, दे हैव बॉक्सिंग, दे हैव किक बॉक्सिंग, दे हैव एमएमए आल्सो, और इंस्टाग्राम पे जो रील्स वगैरह आते हैं या फिर उनके पेज पे भी अगर आप जाके देखो, मैं किसी जिम का नाम नहीं लेने वाला, तो उनके कोचेस कुछ अलग ही बॉक्सिंग करा रहे हैं। भाई अगर आप टिपिकल बॉक्सिंग देखोगे कुछ अलग ही है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है, कोई भी पंचेस है, कोई भी कॉम्बिनेशन है जो सेंस ही नहीं बनाता बिल्कुल, फुटवर्क नहीं होता है, फुटवर्क के नाम पे जस्ट दे आर मेकिंग यू हॉप, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। एमएमए के नाम पे सिर्फ किक बॉक्सिंग हो रहा है या फिर कराटे चल रहा है, कराटे ड्रेस में ब्लैक बेल्ट पहनाते। सो कोच का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेट मी गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट ऑन दिस। अगर आपका कोच अच्छा है, आपका कोच अच्छे से ढूंढो सबसे पहले, तो ये मत देखो कि उसके पास फैसिलिटी क्या है या फिर वो कौन से जिम में ट्रेनिंग करता है। आप सबसे पहला आपका प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि इस बंदे को नॉलेज कितना है, इस बंदे को आता क्या है, इसका एक्सपीरियंस कितना है, इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना है, ये खुद बंदा क्या करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई से अगर आप कोई MFN के फाइटर के पास जा रहे हो ट्रेनिंग के लिए, लेट से यू ऑल मस्ट बी नोइंग अंगद बिस्ट, श्याम आनंद, अगर आप उन लोगों के पास जा रहे हो ट्रेनिंग के लिए, आपको रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्लियरली दिखता है वो बंदा क्या है, आपको उन पर रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पता है उसको
स्ट्राइकिंग का नॉलेज है, रेसलिंग का नॉलेज है, ग्रैपलिंग का भी नॉलेज है. इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम अ फाइटर हिमसेल्फ, वहां पे भी कुछ कॉन्स आ जाते हैं. आपको देखना पड़ेगा कि वो फाइटर का ट्रेनिंग कैसा है, नॉट नेसेसरीली कि उसके टेक्निक्स अच्छे हैं, उसका स्ट्राइकिंग बहुत अच्छा है, उसका एंगल चेंज है, लेवल चेंज है, सब कुछ है, बट वो बंदे में और भी काफ़ी सारे फ्लॉज है. जैसे वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले रहा है, एज इन वो आपको ढंग से सिखा नहीं पा रहा है, आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर आप पे ध्यान दे रहा है बट आपको फाइट्स नहीं खिलाना चाह रहा है. ऐसे भी काफ़ी लोग होते हैं जो आपको एक उम्मीद दे के रख देंगे एंड वो आपको बोलेंगे कि भाई मैं ये फाइट खिलाऊंगा, वो फाइट खिलाऊंगा, तो जब एक्चुअल बारी आती है आपको नहीं खिलाते. सो आपको कोच ढूंढना बहुत ज़रूरी है, अच्छा कोच. और एक बार आपने कोच पकड़ लिया, कुछ टाइम उनके साथ बिताओ, आपको जम रही है, आपको ट्रस्ट अगर उस कोच पे आ रहा है, देन जस्ट गिव योर 100% टू हिम, जस्ट ब्लाइंडली फॉलो दैट कोच. आपको बस इतना पता करना है कि वो कोच सही है या नहीं. क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी बार काफ़ी हमारे इंडिया में टैलेंट ऐसा है और कोचेस भी ऐसे हैं कि दिस इज़ अ टैलेंट, दिस इज़ अ कोच, ये टैलेंट बहुत अच्छा है, ये बहुत शाइन कर सकता है, दिस इज़ अ कोच, ही इज़ ही कैन सी ही इज़ अ नॉलेजेबल कोच, मतलब बहुत कुछ पता है उनको, नॉट जस्ट अ बोगस कोच और ऐसा कोच बट जेन्युइन नॉलेज है. ये टैलेंट अगर इनके पास आता है, इफ़ द कोच इज रियली गुड, कोच का इंटेंशन है कि नहीं मुझे मेरे स्टूडेंट को आगे बढ़ाना है, आई जस्ट वॉन्ट टू एड वैल्यू इन देयर लाइफ, मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं वो शेयर कर दूंगा इनके साथ, तो ये बच्चे शाइन करेंगे. वही अगर वो कोच अगर नॉलेजेबल है बट स्टिल इफ दैट कोच इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू योर लाइफ, लाइक कि अरे मुझे तो ये पता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यार जैक क्रॉस पता है बट यार इसको नहीं सिखाऊंगा, मैं इसको सिखाऊंगा क्या पता ये जाके कुछ कर ले या फिर कुछ बड़ा कर ले या फिर कुछ मेरे से भी आगे निकले. होते हैं ऐसे कोचेस जिनको इनसिक्योरिटीज रहती है अपने स्टूडेंट्स को लेके, वो आपको जज करना पड़ेगा और सही टाइम पे जज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका टैलेंट वेस्ट हो सकता है. ऐसा इंडिया में कितने टैलेंट्स हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता, कि जो बहुत टैलेंटेड है, जो MFN, UFC, 1FC तक जाने का एक हौसला रखते हैं, उनके अंदर उतना कैलिबर है बट उनके कोच ने कभी उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया. तो ऐसे बहुत केसेस हैं इंडिया में जिनके बारे में हमें नहीं पता. तो अगर आपको प्रोफेशनली फाइट खेलना है या फिर आपको ये स्पोर्ट प्रोफेशनली करना है तो आपको कोच बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिम से भी ज़्यादा. अगर आपका कोच नॉलेजेबल है, वो आपको आगे बढ़ाने की चाह रख रहा है, वो आपको सब कुछ दे रहा है, अपना नॉलेज है, एवरीथिंग, तो आप उस कोच को समर्पित कर दो बेसिकली, आई मीन टू से. फिर वो कोच जहाँ भी आपको बोले, जब भी बोले कि भाई सुबह 5 बजे आ जा, 10 किलोमीटर दौड़ लगानी है, भाई तुम आग बंद करके जाओ, कोई बहाने मत दो कि सुबह 5 बजे क्यों भाई, ये क्यों. बंदा रात को बोले 2 बजे दौड़ लगाओ, भाई जाओ दौड़ लगाओ. अगर तुम ब्लाइंडली उस कोच को फॉलो करोगे जो जेन्युइनली आपको आगे लेके जाना चाहता है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. बट काफ़ी ऐसे सिचुएशंस है जिसमें कोच ही टैलेंट को होल्ड बैक करते रहते हैं, सो उससे केयरफुल रहना. और ये मैं कमेंट्स में भी देखे हैं कि कोचेस एंड जिम्स, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चंस है. और आपको भी कोई क्वेश्चंस है कि यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो, उस पर कोई ना कोई एक वीडियो इमीडिएटली आता रहेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा. एंड टैलेंट को वेस्ट मत होने दो, जितना हो सकता है अर्ली एज में एक अच्छा कोच पकड़ो इफ़ यू वॉन्ट टू गो प्रोफेशनल इन दिस फाइटिंग करियर, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है अभी. तो आपको कोच भी अच्छा चाहिए और आप में उतना कैलिबर भी होना चाहिए कि आप उस कोच को अटैच होके आगे निकल जाओ और ब्लूम कर जाओ. सो या दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर दो एंड आई विल श्योरली पिक इट अप एंड आई विल पोस्ट अनदर वीडियो ऑन दैट क्वेरी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, जय हिंद एंड टेक केयर.